इंदौर आबकारी विभाग विगत एक महीने से जबरदस्त एक्शन मोड में है। एक के बाद एक अवैध शराब माफियाओं पर कार्यवाही कर शहर को माफियाओं से मुक्त करने के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है और कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में कल यानी बुधवार को भी आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन तथा विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया। अभियान के तहत व्रत मऊ में आगरा बॉम्बे हाईवे पर स्थित ढाबे वर्राऊ गवली पलासिया थावलाइट स्थित ढाबों पर कार्यवाही की गई, जिसमें मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत 8 प्रकरण पंजीबद्ध कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जय मातारी ढाबा, कुशवाहा ढाबा, छोटी वाला ढाबा, राजपुताना ढाबा, आशापूर्णा ढाबा, युवराज ढाबा और वैष्णो देवी ढाबा पर प्रकरण दर्ज किए गए। इस प्रकार कुल 8 प्रकरणों में देशी विदेशी मदिरा जब्त की गई। जब्त सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 10,000 रुपये बताया जा रहा है। यह कार्यवाही आबकारी उप निरीक्षक शालिनी सिंह मनीष राठौर ने की। इस कार्यवाही में आरक्षक सतेज कोपरगांव, ओम प्रकाश राठौर, सावन सिसोदिया, अजय चंद्रभाल, रेकवार मुकेश रावत का सराहनीय योगदान रहा। इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजधानी लाइव।